हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन द पी एंड स्पोर्ट्स। एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन स्क्वाड फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। एंड अर्लियर इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑलरेडी द 60 एथलीट्स दोज आर गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक्स। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टोक्यो ओलंपिक 2020 विच इज द डिलेइंग ओलंपिक हैज टू बी ऑर्गेनाइज इन द 2021 from 23rd July to 8th August. And now we are going to make it part second, and in this video we are going to discuss, or we can say the I'm giving you some details about the 60 remaining 60 athletes in this 18 discipline, 18 games. Or main aapse baat karta hu jo pehle डिसिप्लिन है 18 गेम्स की, उसके बारे में आपसे बात करना है। सबसे पहले हम बात करें शूटिंग की, तो उसमें आपके पास 15 एथलीट्स इस बार ऐसे हैं दोज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द टोक्यो ओलंपिक। और टेबल टेनिस में भी हमारे पास 4 एथलीट्स हैं जो इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोल्फ में आपके पास 3 एथलीट हैं, रोइंग में 2, सेलिंग में 4, और हॉकी मैन सेक्शन एंड वुमेन सेक्शन सेपरेटली जो है आपके पास 16-16 एथलीट्स, 16-16 हॉकी प्लेयर्स इस बार पार्ट होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक का। तो इट मींस कि 32 हॉकी प्लेयर्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। द फर्स्ट एथलीट जो अगर हम बात करें फर्स्ट एथलीट की, तो वो हैं दिव्यांश सिंह पवार। और दिव्यांश सिंह पवार जो है शूटिंग में भारत के इस तरफ से इस बार प्रतिभाग करेंगे टोक्यो ओलंपिक में, मेंस 10 मीटर एयर राइफल एंड मिक्स 10 मीटर एयर राइफल में। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका इवेंट शेड्यूल किया गया है वो 25 जुलाई को 5:30 बजे शेड्यूल है, और साथ ही साथ इनका जो पर्सनल बेस्ट है मींस वर्ल्ड रैंकिंग जो इनकी है वो दूसरे नंबर के है। अगले जो एथलीट हैं वो दीपक कुमार हैं, जो कि मेंस 10 मीटर सेम जो है इनका भी इवेंट है, और उसके साथ साथ सेम इनका भी शेड्यूल जो है वो भी सेम है, और पर्सनल बेस्ट इनका जो है वो 11वीं रैंक इनकी है। और तीसरे जो एथलीट हैं वो संजीव राजपूत के तौर पे हैं, और 50 मीटर की जो राइफल है उसमें ये है जो है ये प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और इसमें जो इनका इवेंट है वो 2 अगस्त को होगा और 5 बजे खेला जाएगा। और पर्सनल बेस्ट इनकी वर्ल्ड रैंकिंग विश्व रैंकिंग की बात करें तो 6 नंबर की इनकी विश्व रैंकिंग है। तो ये शूटर्स जो हैं हमारे पास इस बार काफ़ी हैं। प्रताप सिंह तोमर जो है 50 मीटर राइफल जो है ऑलरेडी ये इससे पहले जो एथलीट थे सेम इन्हीं की तरह है, और वो भी सेम शेड्यूल इनका होगा और पर्सनल बेस्ट इनकी वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड नंबर की होगी। 10 मीटर एयर पिस्टल मैन और मिक्स 10 मीटर एयर राइफल में सौरभ चौधरी इस बार भारत की तरफ से प्रतिभाग करेंगे, जिनका इवेंट 24 जुलाई को 5 बजे खेला जाएगा, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी दूसरे नंबर की है। तो पहली और दूसरे नंबर के विश्व रैंकिंग के कई ऐसे शूटर्स हैं इस बार जो भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाले हैं। तो इस बार काफ़ी उम्मीदें शूटर्स से भी लगाई जा रही हैं। अभिषेक वर्मा एक ऐसा नाम है अगेन जो 10 मीटर एयर पिस्टल मैन और मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है, मतलब विश्व चैम्पियन एक तरह से, या विश्व में रैंकिंग की अगर हम बात करें तो नंबर 1 इनकी है। इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। उसके अलावा स्कीट की बात करें हम, तो स्कीट मैन में जो एक अलग इवेंट होता है उसमें अंगद वीर सिंह भजवा जो है इस बार क्वालिफाई किए हैं, जिनका 25 जुलाई को क्वालिफाइंग 1 और क्वालिफाइंग 2 और जो है फाइनल जो होगा वो 26 जुलाई को होगा। 5:30 बजे जो है वो पहला राउंड की टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है, और पर्सनल बेस्ट इनका 62nd है, मतलब 62वीं इनकी रैंकिंग इस बार है। और मेराज अहमद खान भी सेम इवेंट के साथ इस बार जाएंगे, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 24वीं है। 10 मीटर एयर राइफल वुमेंस की अगर हम बात करें तो वुमेंस सेक्शन में भी बहुत सारी शूटर्स इस बार भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी, और अपूर्वी चंदेला पहला नाम इसमें जुड़ जाता है, जिनका इवेंट 24 जुलाई को 5 बजे खेला जाएगा, और वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 11वीं है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल वुमेन और मिक्स 10 मीटर एयर राइफल में इलेवेलिन वेलरिवन होगी इस बार, और जो कि 24 जुलाई को 5 बजे इनका भी खेला जाएगा, और वर्ल्ड रैंकिंग इनकी नंबर 1 है, तो इनसे भी काफ़ी इस बार उम्मीदें होंगी। 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशंस में जो खेला जाता है वुमेंस में, और मिक्स 10 मीटर एयर राइफल में देखा जाए तो अंजुम मौदगिल जो है इस बार प्रतिभाग करेंगी भारत की तरफ से, और 31 जुलाई को इनका इवेंट खेला जाएगा 8:30 बजे, और इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 3rd नंबर की है। हेयर वी हैव अगेन द 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशंस वुमेन, जिसमें कि तेजस्विनी सावंत एक नाम है जो कि इस बार भारतीय दल के साथ जुड़ा है शूटर्स के साथ, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 28वीं है।
25 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रानी सरनोबत ने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि उन्होंने क्वालिफाई किया है, और 29 और 30 जुलाई को इनका इवेंट खेला जाना है और 5:30 बजे इसकी टाइमिंग है। वर्ल्ड रैंकिंग इनकी दूसरे नंबर की है तो इनसे भी काफ़ी उम्मीदें बनती हैं। मिक्स 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर 25 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की अगर बात करें तो वहाँ पे मनु भाकेर इस बार प्रतिभा करेंगी, जो कि टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है, और इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो दोनों इवेंट में अलग अलग सेकंड और सेवन्थ, मतलब दूसरी और सातवीं रैंकिंग के साथ ये जिस बार जा रही हैं। यशवनी सिंह देसवाल भी एक बड़ा नाम है 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन में, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग आपको बता दूं कि नंबर वन है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनसे भी मेडल की बन जाती हैं। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहाँ पे कि मेंस सिंगल्स और मेंस डबल्स में भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाले जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, इस बार शरत कमल बहुत बड़ा नाम है भारत की तरफ से विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, बहुत सारे बार जो है ये चैंपियनशिप जीते भी हैं, और इस तरह के पर्सनल बेस्ट के साथ वर्ल्ड रैंकिंग इस बार 32वीं ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम को कहीं ना कहीं किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाने की उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा हैं। एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में शरत कमल इस बार रिप्रेजेंट करेंगे भारत की तरफ से, और साथियान जो है इस बार ज्ञान शेखरन जो इस बार प्रतिभा करेंगे मेन सिंगल में, और मेन सिंगल में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 38वीं है। उनका जो इवेंट है वो 24 से 30 जुलाई के बीच ये मेन सिंगल खेले जाएंगे टेबल टेनिस के। वुमेन सिंगल एंड मिक्स डबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मनिका बत्रा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बता दूँ अभी कुछ दिन पहले ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनका एक संवाद सुना होगा, एक इंटरेक्शन अभी किया था। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 62वीं है और इनसे भी थोड़ी उम्मीदें हैं कि अपनी टीम को एक अच्छे लेवल में अच्छे राउंड में लेके जाए। वुमेन सिंगल्स में सुतीर्था मुखर्जी जो है इस बार प्रतिभाग करेंगी भारत की तरफ से, 24 से 29 जुलाई के बीच इनके इवेंट्स वुमेन सिंगल के हैं। इनका पर्सनल बेस्ट 98 है। मेंस इंडिविजुअल अगर हम गोल्फ़ की बात करें तो यहाँ पे अनिर्बान लाहिरी एक ऐसा नाम है जो कि इस बार गोल्फ़ की टीम के साथ जुड़ा है, और 348वीं इनकी वर्ल्ड रैंकिंग के साथ ये इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उसके अलावा उदयन मान भी एक नाम है, कई दिनों से अखबारों में भी छाया रहता है और कई बार नाम इनका सुनाई भी देता है। वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 356 है और 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच इस तरह के गोल्फ़ के जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। वुमेन्स इंडिविजुअल में अदिति अशोक ने इस बार क्वालिफाई किया है और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 165वीं है। 4 से 7 अगस्त के बीच इनके इवेंट्स को स्कड्यूल किया गया है। मेंस लाइटवेट डबल्स स्कल्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम रोविंग की बात कर रहे हैं, तो रोविंग में एक इवेंट जो है मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स, उसमें अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जट जो है इन दोनों ने क्वालिफाई किया है, जिनका इवेंट 25 जुलाई को है और सेमीफाइनल इनका जो हीट जो है वो 25 जुलाई को है, सेमीफाइनल इनके 27 को है और फाइनल इनका 28 को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके अलावा मेंस लेज़र स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने विष्णु सर्वानंद के नाम से इस बार ओलंपियन होने जा रहे हैं। इनका पर्सनल बेस्ट 43 है, 43rd है, और वुमेन्स लेज़र रेडियल में भी आपके पास नेथरा कुमानन के नाम से इस बार एक एथलीट जाने वाली हैं, जो कि पर्सनल बेस्ट इनका वर्ल्ड रैंकिंग इस बार 54th नंबर पे है, तो ये भी इस बार प्रतिभाग करेंगी। मेंस 49ER की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम स्पोर्ट्स में मेंस 49ER में KC गणपति और वरुण ठाकुर ने इस बार क्वालिफाई किया है, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 73वीं संयुक्त रूप से है। और हॉकी मेंस की अगर हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि भारत के स्वर्णिम इतिहास के साथ साथ जहां पे ओलंपिक के स्वर्णिम इतिहास में अगर हॉकी को जगह दी जाती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है पुराना जो हमारा ऐतिहासिक जो प्रदर्शन रहा है हॉकी के फील्ड में उसकी वजह से रहता है। और हॉकी मैन में इस बार फिर से मेंस टीम तो कई टाइम से क्वालिफाई करती आई है, लेकिन वुमेन्स टीम ने लगातार दूसरी बार इस बार फिर से क्वालिफाई किया है और मेंस टीम से काफ़ी उम्मीदें इस बार हैं। तो मनप्रीत सिंह पहला नाम जो है जो भारत की तरफ से भारत के कप्तान होंगे मेंस टीम के, और इनका स्केड्यूल आपके सामने मैं 24 जुलाई को न्यूजीलैंड के साथ 6:30 बजे इनका मैच होना है, 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 बजे होना है, स्पेन के साथ 27 जुलाई को 6:30 बजे होना है, अर्जेंटीना के साथ 6:00 बजे होना है 29 जुलाई को, और जापान के साथ 30 जुलाई को 3 PM पे इनका मैचेस होने हैं। तो ये सभी टाइमिंग्स आपको हमने शेयर की है ताकि आप सब लोग आसानी से इन मैचेस को देख पाएँ। और ये जो है ये पूल, अगर हम पूल की बात करें तो ये पूल में आपके सामने ये 5 मैचेस हैं 24 से 30 जुलाई के बीच,
और क्वार्टर फाइनल मैच आपका 1 अगस्त को खेला जाता है। उम्मीद है कि भारत क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और थर्ड प्लेस के या फाइनल के मैच तक भी पहुंचे नॉकआउट स्टेज तक। तो वहां पे 3 अगस्त और 5 अगस्त आखिरी मैच फाइनल मैच और थर्ड प्लेस का मैच खेला जाएगा। भारत की करंट रैंकिंग की बात करें तो 4वीं नंबर की भारत की इस समय करंट रैंकिंग है और उसमें आपके पास बहुत सारे ओलंपिक मैं जो इस बार प्रतिभाग करने वाले हैं हॉकी मेंस टीम की तरफ से, तो हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास और बीरेंद्र लाकरा ये एक बड़े नाम हैं। और इसमें अगर हम देखें तो रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र जो बीरेंद्र लाकरा है ये काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी हैं। उसके अलावा जो अगर हम नाम की बात करें तो श्रीजेश इसमें एक बड़ा नाम है और विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह और सुमित जैसे यंगस्टर्स को भी इस बार ओलंपिक में खेलने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, गुरजन सिंह, ललित कुमार उपाध्याय ये सभी भी मेंस सेक्शन में ओलंपिक के पार्ट होंगे भारत की तरफ से। हॉकी वुमेन की बात करें तो उनके भी स्केड्यूल को आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट आपके नज़र आ रहा है जो कि 24 जुलाई से लेकर 6 अगस्त को खेला जाएगा और पूल मैचेस भारत के नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का इस तरह की टाइमिंग्स में दिया गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 2 अगस्त को क्वार्टर फाइनल बल्कि वुमेन्स सेक्शन के जो हॉकी के मैचेस होंगे वो 2 अगस्त को क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल 4 अगस्त को होगा और थर्ड प्लेस और फाइनल मैच का 6 अगस्त को खेला जाएगा। वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत की 10वीं इस बार है अभी है, तो ये भी एक बड़ा दारमदार है कि कहीं ना कहीं भारत को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। वुमेन्स में अगर हम देखा जाए तो ये एक मिस्टेक हो गई है, इसमें वुमेन हॉकी वुमेन होगा जिसमें दीप ग्रेस एक्का, सविता सिंह जो गोलकीपर एकमात्र गोलकीपर हैं, निक्की प्रधान, गुरजीत कौर और उदिता जो है इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा जो वुमेन सेक्शन में देखा जाए तो निशा, नेहा, सुशीला चानू एक बड़ा नाम है, मोनिका, नवजोत कौर के रूप में इस बार और प्रतिभाग करेंगी। और 5 लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें सलीमा टेटे, वंदना कटारिया जो कि फॉरवर्ड स्ट्राइकर की भूमिका में रहती हैं, नवनीत कौर की भूमिका भी बहुत उम्मीद रहती है और लाल रेमश्यामी जो कि इससे पहले जो है वो स्टार रही हैं काफ़ी कुछ कई टूर्नामेंट्स में और ओलंपिक में जब भारत ने क्वालिफाई किया तो उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका रही है। शर्मिला देवी भी एक नाम है जो कि वो हॉकी वुमेन्स सेक्शन में जुड़ेगा। तो इसी तरह ये सारे जो एथलीट्स हैं 18 डिसिप्लिन के, उसके बारे में हमने आज आपसे फिर डिस्कस किया और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देखें, अगर पार्ट 1 अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 2 आपको कैसा लगा और इसमें हम और क्या लेके आपके लिए आ सकते हैं इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। अब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस बार जो है ओलंपिक के जितने भी एथलीट्स हैं जो भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उनको चीयर करना ना भूलें, उनको देखना ना भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।